गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विद कॉमर्स वर्चुअल एजुकेशन एंड दिस इज आवर थर्ड लेक्चर इन सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज। एंड गाइस, आज आप देख पा रहे हो हम लोग डिमांड के बारे में बात करने वाले हैं। एज यू नो, इट इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट। सो आज का सेशन बहुत फोकस के साथ देखना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिमांड एनालिसिस। परफेक्ट। सो वट एग्जैक्टली डिमांड स्टैंड्स फॉर, बिफोर मूविंग टू एमसीक्यूज डायरेक्टली, थोड़ा बहुत बेसिक के बारे में जान लेते हैं। राइट, डिमांड क्या है? आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे? डिमांड की बात करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करेंगे और वेरिएशंस एंड चेंजेस इन डिमांड की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क गाइस। वट एग्जैक्टली डिमांड स्टैंड्स फॉर? सो डिमांड, किसी भी चीज को डिमांड कंसिडर करने से पहले उसके तीन बेसिक कंडीशन है। फर्स्ट वन, दैट इज डिजायर। सेकेंड वन इज विलिंगनेस टू पे एंड थर्ड वन इज एबिलिटी टू पे। राइट, डिजायर, विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे, अगर ये तीनों साथ है तो ही डिमांड कही जा सकती है। अभी आपके एज में आपको मर्सिडीज पसंद है, बट एट स्टूडेंट्स एज आपको वो सिर्फ पसंद है, आप वो परचेस नहीं कर सकते, तो यू कैनॉट कॉल दिस एज डिमांड, यू कैन कॉल इट एज डिजायर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज, ये बहुत जरूरी है गाइज, लॉ ऑफ डिमांड। ये मैंने खास आपके लिए बनाया है। लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक चार चीजों का सीक्वेंस है। राइट, चार चीजें कौन सी गाइज, एक बार ऑब्जर्व करना। यहां पे आप देखो, दिस इज नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। राइट, देखो कैसा है, बेसिक चीज है, फोकस करना। हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर। हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर। हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर। हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर। अभी ये हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर क्या है? तो ये सीक्वेंस है। राइट, ये रिस्पॉन्स है, ये सीक्वेंस है। हायर क्या है? देखो गाइस, हायर प्राइस, स्मॉलर डिमांड। लोअर प्राइस, लार्जर डिमांड। हायर प्राइस, स्मॉलर डिमांड। लोअर प्राइस, लार्जर डिमांड। ये लॉ है गाइज, ये लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट दिमाग में रखने का एक ट्रिक है। राइट, सो चार बेसिक पहले दिमाग में डालने हैं आपको, हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर। राइट, हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर, और फिर प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड है। वेरी इजी, लेट्स मूव अहेड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट एमसीक्यू। द विलिंगनेस टू हैव समथिंग कैन बी कॉल्ड एज, जैसे मैंने आपको आपका मर्सिडीज का एग्जाम्पल दिया, यू कैन कॉल इट एज डिजायर। आप उसको डिमांड नहीं कह सकते, सही है? सो जब तक आपके जेब में डिमांड पैसे नहीं हो सकते, आप विलिंग नहीं हो सकते पे करने के लिए, यू कैन नॉट कॉल इट एज डिमांड, तब तक वो डिजायर ही कहलाएगी। परफेक्ट। नेक्स्ट वन, डैश इज दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ पर्सन इज रेडी टू बाय एट अ गिवन पर्टिकुलर प्राइस एंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये डिमांड का कोर स्टेटमेंट है गाइस। सो इसका आंसर क्या है? ये डिमांड का कोर स्टेटमेंट है, सही है? प्राइस एंड टाइम पीरियड मेंशन करना बहुत जरूरी है ये स्टेटमेंट के हिसाब से। और थर्ड, डैश इज द बेस ऑफ डिमांड। मैंने आपको लास्ट सेशन में सिखाया, व्हाट इज द बेस ऑफ डिमांड? यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड। हमने एक स्टेटमेंट सीखा था, यूटिलिटी है तो डिमांड है गाइस, यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड नहीं मिल सकती। क्लियर? नेक्स्ट, डिमांड is a dash concept. So iska answer hai, demand is relative concept. Next one, market demand is aggregate of purchasing by dash buyers. Abhi demand do basic tarike ka hota hai, differentiation. Individual demand matlab aap ek akele individual being consumer aap kya demand karte ho, aur pure market mein sare consumers mila ke kya demand karte hai. Right? सो मार्केट डिमांड इज व्हाट? जब आप सारे लोगों को ऐड करोगे तब। एंड इंडिविजुअल इज व्हाट? सिंगल। सो मार्केट डिमांड इज एग्रीगेट ऑफ परचेसिंग बाय डैश बायर्स। आंसर इज ऑल बायर्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, मार्केट डिमांड इज ऑलवेज डैश देन इंडिविजुअल डिमांड। ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिमांड, एक बंदा कितना डिमांड करेगा तो कम करेगा, और पूरे मार्केट का अगर आप ऐड करोगे तो वो नंबर ऑब्वियसली
ज्यादा दिखेगा. तो आंसर इज मार्केट डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इंडिविजुअल डिमांड. नेक्स्ट पॉइंट, द डिमांड फॉर फूड क्लॉथ्स हैव डैश डिमांड. अपने जो कपड़े है, गारमेंट है, फूड है, उसका डिमांड डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? आंसर इज इसका डिमांड है डायरेक्ट डिमांड. राइट, द थिंग्स विच आर डिमांडेड डायरेक्टली टू कंज्यूम कम्स अंडर डायरेक्ट डिमांड. राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री इज डैश डिमांड. अभी आप जो सारी चीजें इस्तेमाल करते हो वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, वो किसी ना किसी ने मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है उसका. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उसकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड कहलाएगी या इनडायरेक्ट कहलाएगी? आंसर इज इनडायरेक्ट डिमांड गाइस. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डैश. ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ये बहुत बार पूछा था. इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिराइव्ड डिमांड. कार एंड फ्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डिमांड. आंसर इज जॉइंट डिमांड. कार एंड फ्यूल इज एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड. इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट डन? इट इज एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट डिमांड. इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट डिमांड. टी एंड कॉफी आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव. दे कॉम्पीट विथ ईच अदर, दे आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट. राइट, दे कॉम्पीट विथ ईच अदर. डैश इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड. अभी यहां से हम लॉ ऑफ डिमांड की तरफ जा रहे हैं गाइस, फोकस करना. ये प्रीवियसली भी बोर्ड्स के लिए बहुत मैटर करता था, अभी भी करेगा. सो लॉ ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमांड ये किसने लिखा है और कौन से बुक में? बुक का नाम क्या है गाइस? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. और लिखा किसने है? मिस्टर अल्फ्रेड मार्शल. डैश इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. किसने लिखा है? अल्फ्रेड मार्शल ने. परफेक्ट. नेक्स्ट इज डिमांड कर्व स्लोप्स डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ एक चीज यहां पे कन्फर्म पकड़ लो, ये लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम है राइट, और ये लॉ ऑफ डिमांड का कर्व मूव करता है. कौन सी तरफ जाता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है. राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है. द डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स. प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन सा है गाइस? ये वर्ड मैंने पर्पसफुली डाला हुआ है, ये दिमाग में रखना. इट इज फंक्शनल रिलेशनशिप. हाउ इट फंक्शंस? जब प्राइस ऊपर जाती है तो डिमांड नीचे आती है, जब प्राइस नीचे आती है तो डिमांड ऊपर आती है. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस डिमांड फॉर इट कॉन्ट्रैक्ट्स. ये हम आगे भी जाके डिस्कस करेंगे. जब प्राइस की वजह से डिमांड के ऊपर इंपैक्ट होता है तो उसको हम वेरिएशंस कहते हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. राइट, सो प्राइस की वजह से जब डिमांड कम होती है इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन. अ टिपिकल डिमांड कर्व हैज अ डैश स्लोप. आंसर इज व्हाट? नेगेटिव स्लोप. डैश इन डिमांड शोज ऑन सेम डिमांड कर्व. अभी इसका होता कैसे देखो, वेरिएशंस एंड चेंजेस दो तरीके हैं. वेरिएशंस में कैसे होता है? वेरिएशंस में डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, आप दोनों चीजें एक ही डायग्राम पे दिखा सकते हो, दैट इज वेरिएशंस. जो चेंजेस है, इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है, वो आप एक ही डायग्राम पे नहीं दिखा पाओगे गाइस. व्हेन लेस इज परचेस्ड एट अ कांस्टेंट प्राइस इट इज कॉल्ड डैश. आंसर इज decrease. When less is purchased at a constant price, it is called as what? Decrease. यहाँ पे देखो क्या हो गया? Price बदली है क्या? नहीं. Price में change ना होते हुए भी अगर demand में change आता है तो उसको हम कहेंगे variations, that is increase and decrease. Very good. Next is demand changed because of changes in price of the product, it is called as, अभी मैंने आपको सिखाया, प्राइस की वजह से जो बदलाव होगा दैट विल बी चेंज वेरिएशंस इन डिमांड. एंड प्राइस छोड़ के जो फैशन चेंज हो गया, पॉपुलेशन चेंज हो गई, टैक्स चेंज हो गया, इट विल बी कॉल्ड एज चेंजेस इन डिमांड. नेक्स्ट इज डिमांड फॉर क्लोथिंग ब्रांड इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन फैशन. मार्केट में फैशन बदल गई तो किसी गारमेंट के ब्रांड को उसका इंपैक्ट हो गया.
इट विल बी कॉल्ड एज चेंजेस इन डिमांड, बिकॉज ये प्राइस की वजह से नहीं हुआ है, अदर देन प्राइस की वजह से हुआ है. नाउ दिस इज दिस हम इसको फॉर्मूला कहते हैं, राइट, इसको हम फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं. डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ व्हाट गाइस, डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इसको हमेशा समझना, डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस. इसका सिंपल मतलब ये निकलता है, डिमांड है रिएक्शन और प्राइस है एक्शन, मतलब प्राइस के एक्शन की वजह से डिमांड रिएक्ट करता है. हमने हमेशा देखा है प्राइस के एक्शन की वजह से डिमांड रिएक्ट करता है. सो प्राइस इज एक्टिंग कैरेक्टर एंड डिमांड इज रिएक्टिंग कैरेक्टर. परफेक्ट. नेक्स्ट वन, प्राइस एंड डिमांड शेयर डैश रिलेशन. ये बहुत जरूरी है. प्राइस एंड डिमांड शेयर्स इनवर्स रिलेशनशिप. ये वर्ड बहुत अच्छे ध्यान में रखना गाइज. मैंने यहाँ पे ऑपोजिट भी डाला हुआ है. सिंपल लैंग्वेज में ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन बुक के हिसाब से इनवर्स ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. सो प्राइस एंड डिमांड शेयर्स इनवर्स रिलेशनशिप. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन, डिजायर मीन्स डिमांड. आंसर इज फॉल्स. अभी आप सबको ये आंसर पता है. गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव यूटिलिटी. यस, 100% ट्रू. आंसर इज ट्रू. इंडिविजुअल डिमांड इज डिमांडेड बाय सिंगल बायर. आंसर इज ट्रू अगेन. द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज डायरेक्ट. अब भी जस्ट हम देखा कि प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है. तो यहां पर क्या आएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज, आंसर इज इनवर्स. क्लियर. द टेस्ट हैबिट्स फैशन डज नॉट इफेक्ट द डिमांड. ऐसे पॉसिबल है गाइज? नहीं. सो आंसर इज फॉल्स. Derived demand is direct demand. Again, derived demand को हम direct नहीं कहते, indirect demand को हम derived demand कहते हैं. Clear? When bricks are used for building a house, it is a case of derived demand. Yes, true. Next is law of demand is explained by Professor Robbins. False. किसने किया है? Alfred Marshall ने किया है. Next is quantity demanded varies directly with the price. आंसर जो आप अभी आपको पता है, प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन है इनवर्स. नेक्स्ट इज डिमांड कर्व अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट मूव्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फॉल्स. डिमांड कर्व्स मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज द राइट आंसर. डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड मूव होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नेक्स्ट इज चेंज इन इनकम लेवल इम्पैक्ट्स द लेवल ऑफ डिमांड. इनकम मतलब क्या है गाइस? मान लो आप जितने भी पैसे कमाते हो, वो पैसा मतलब आपकी परचेसिंग पावर है, वो पैसा आपका डिस्पोजेबल इनकम है. सो इनकम लेवल चेंज हो गया तो उसका डिमांड के ऊपर इंपैक्ट 100% होता है, राइट. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. यस, ट्रू. व्हेन डिमांड इंक्रीजेस द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट. फॉल्स. इट शिफ्ट्स टू राइट. हमेशा ध्यान में रखना. Demand and price shares inverse relation. True. Curve of changes in demand can be presented on the same demand curve. Answer is false. क्यों? क्योंकि changes में increase in demand and decrease in demand के diagrams आपको एक ही curve पे दिखाना impossible है guys. Next is upward movement on the same demand curve is a contraction of demand. Wrong guys. Upward movement मतलब क्या होता है? डिमांड कम होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. और डाउनवर्ड मूवमेंट जहां पे डिमांड बढ़ता है, दैट इज एक्सपांशन. सो अपवर्ड मूवमेंट इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन. एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इज व्हाट? एक्सपांशन. परफेक्ट. डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड. यस, इट इज ट्रू. गिफन गुड्स इज लग्जरी गुड्स. नो गाइस, हमेशा दिमाग में रखना, गिफन गुड्स का कैटेगरी इंफीरियर गुड्स का होता है, लग्जरी गुड्स का नहीं. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेक्यूलेशन डज नॉट इम्पैक्ट डिमांड. ऐसा कभी पॉसिबल है गाइस? मार्केट में स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चलता है और उसकी वजह से डिमांड के ऊपर इंपैक्ट होता है. क्लियर. सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 3A, रादर डिमांड एनालिसिस. तो अगेन प्रीवियस वीडियोज भी देखना, आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको
कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसेप्ट का और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या फिर ये मटेरियल चाहिए हो, यू कैन कमेंट योर नंबर और योर मेल आईडी. आई विल श्योरली कॉन्टैक्ट यू. थैंक्स अ लॉट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.